नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। कुमाऊं द्वार महोत्सव में दिखेंगी पहाड़ की संस्कृति, साथ होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर जाम लगने से घंटों तक फंसे रहे वाहन। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कक्ष के सामने आमरण अनशन किया प्रारंभ। रामनगर में बोर्ड परीक्षाओं के समय छात्रों में देखने को मिला उत्साह। अल्मोड़ा पुलिस की ऑपरेशन मुक्ति टीम ने बैनर पोस्टर के माध्यम से चलाया जन जागरूकता अभियान। रामनगर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने फूका सी और कोतवाल का पुतला। गेहूं का बाजार भाव समर्थन मूल्य पहले से अधिक रहने की है प्रबल संभावना। शराब पीकर बाइक चला रहे चालक को भतराज खान पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन द्वारा कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आयोजक क्रशिया फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 5 दिवसीय यह महोत्सव 7 से 11 अप्रैल तक MB इंटर कॉलेज के मैदान में शाम 2 से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें कुमाऊं के जाने माने कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उन सब चीजों को आगे लाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। और हम लोगों ने, जैसा कि आपस में हम कुछ कलाकारों ने डिस्कस किया था, तो एक महोत्सव का आयोजन, उत्तराखंडी महोत्सव का आयोजन करने का हम लोगों का विचार बना और काफी समय से हम लोग इस पर प्रयास कर रहे थे और अब जाके हम लोग इसको जो है सही रूपरेखा तक ला पाए हैं। तो हम लोग हल्द्वानी में एक कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं 7 से 11 अप्रैल 2023 को। तो ये पहली बार हो रहा है इस बार, और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा उत्तराखंड की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे पहाड़ के जो खान पान है, रहन सहन है, छोलिया है, वाद्य यंत्र है, लोक गायकी है, लोक नृत्य है, उसको हम लोग इस मंच के माध्यम से प्रमोट करेंगे। और दूसरा एक नाइट हमारी बॉलीवुड की होगी, जिसमें हम लोगों का ये सरप्राइज है, लेकिन वो जो बॉलीवुड आर्टिस्ट होगा वो भी हमारे उत्तराखंड की धरती का होगा और बहुत अच्छे हम एक लास्ट नाइट 11 तारीख को बॉलीवुड की करेंगे। तो आप, मेरा सभी लोगों से निवेदन भी है, आप सभी जितने लोग भी चैनल के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं, कि आप सब लोग भी इस आयोजन में आगे आइए, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रयास किया है या जो कर रहे हैं वो हम अपने पहाड़ को आगे लाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ की हम लोग छोलिया हम लोग प्रमोट करेंगे, खान पान रंजन प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पहाड़ के खान पान का हम लोग कॉम्पिटिशन करेंगे, तो उससे यहाँ का जो खान पान है वो प्रमोट होगा और हमारे जो उत्तराखंड के कुमाऊं के जो अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं और जो नए आर्टिस्ट हैं, जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, हम सब लोगों को इस मंच पे, एक मंच में लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के छोई के समीप सड़क पर भीषण जाम लगने के कारण इस मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से पूरी तरह ठप हो गया। वहीं घंटों तक जाम में फंसे वाहनों में सवार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे यातायात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाने के साथ ही यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए, सभी को मालूम है जैसे प्रस्तावित है G20 सम्मेलन 28 से 30 मार्च तक, इसी के मद्देनज़र सभी विभाग अपना कार्य कर रहे हैं। सड़क निर्माण जो हमारा मेन रूट है गड़प्पू से लेकर के गर्जिया तक, उसमें सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी ट्रैफिक रुक रहा होगा। उसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल भी लगाए जा रहे हैं। और जो फिलहाल आज जाम की बात हुई है, उसमें कल शाम एक छुई के पास एक डंपर भी पलटा था, जिसको क्रेन द्वारा हटाया जा रहा है, जिस कारण से थोड़ी देर के लिए जाम लगा है। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल रहे, और साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि संबंधित जो निर्माण इकाई है हमारी, वो भी अपने टेंडर जो हमारे ठेकेदार हैं उनके माध्यम से पर्याप्त ड्यूटी लगाए, ताकि कोई जाम वाम ना लगे। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में जनता को उचित स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कक्ष के सामने आमरण अनशन प्रारंभ किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनता ने भागीदारी सुनिश्चित की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर बाजपुर में SDM राकेश चंद्र तिवारी ने नगर पालिका, राजस्व, पुलिस, PWD सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दौराहा नैनीताल मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां प्रशासन ने अभियान के दौरान JCB की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हाँ, G20 के दृष्टिगत हमने 4-5 बार बैठके भी कर रखे हैं व्यापार मंडल अन्य अधिकारियों के साथ, और उसमें सेक्टर ऑफिसर भी रहे, और कई बार अनाउंस भी कर दिया गया, और एक दो बार हल्का फुल्का कार्रवाई की गई,
कुछ लोग उसमें अधिकांश व्यापारी मान गए, अपने टीन सेट वगैरह को उन्होंने जो अस्थायी इंक्रोचमेंट था उनके द्वारा हटा लिया गया, लेकिन कुछ 10-15% इस तरह के थे जो जिनके द्वारा हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने और कहने के बावजूद भी नहीं माने, तो आज उसी इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टा पकड़े जा रहे हैं तो उसमें उनके द्वारा जैसे ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो उनको 2000 रुपये का चालान भी करवाया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। हम G20 की व्यवस्था के लिए दोराहा से केला खेड़ा, दोराहा और बाजपुर के साथ साथ बरहनी को चार चौबंद रखेंगे और इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर, तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा साल 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि पहले दिन परीक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा देने आ रहे विद्यार्थियों की परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया। ड्यूटी में तैनात शिक्षकों ने कहा कि उनका प्रयास है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता एवं नकल विहीन हो। संवाददाता कैलाश्यूल की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवांगी रावत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में हूँ। आज हमारा फर्स्ट पेपर है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हमने 10th में भी एग्जाम्स नहीं दिए थे और ये हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है। अच्छा, तो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है। आज हमारा फर्स्ट एग्जाम हिंदी का है, मार्क्स तो अच्छे ही लाएंगे हम। मेरा नाम तो अजय रावत है सर। हाँ, पहले कोरोना की वजह से नहीं दे पाए। पहली बार हम जब कोरोना था तब हम एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन इस बार अब हमें मौका मिला तो हम अपना बेस्ट देंगे इस बार एग्जाम। फिर तो अभी हिंदी में 80/80 लाने की उम्मीद है, देखते हैं सर। सर बहुत एक्साइटेड है, पेपर करता हूँ, बहुत एक्साइटेड है। उम्मीद है कि हम इस बार 90 क्रॉस कर ले, पूरे 90% उसमें स्कोर कर ले। 20 तो हमारे प्रैक्टिकल्स अगर स्कूल में फुल मार्क्स मिले तो उसकी उम्मीद है फिर, क्योंकि इस बार जब हमारा कोविड हुआ था 10th के टाइम तो हम एग्जाम नहीं दे पाए, तो अब हमें मौका मिला है 12th के टाइम एग्जाम देने के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 90+ स्कोर कर ले। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। इंटर हिंदी का पेपर है और पहली बार बोर्ड के इतिहास में, न केवल उत्तराखंड के बल्कि यूपी के बोर्ड के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी देखे हैं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटर के बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के कारण इन्होंने हाईस्कूल में बोर्ड परीक्षा नहीं दी थी। हाँ, जरूर जो बच्चे फेल हुए हैं वो तीसरी बार बोर्ड परीक्षा देंगे, लेकिन हजारों की संख्या में बच्चे इंटर के पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे। वो लोग निश्चित रूप से पढ़ के आए हैं, हमारी भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं, चार चौबंद हैं कि उनका पेपर अच्छा हो, वो ईमानदारी से पेपर दें, अच्छे से पेपर दें, एक अच्छे माहौल में पेपर दें। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ। SSP अल्मोड़ा रचिता जुआल के निर्देशन पर CO ऑपरेशन ओशन जोशी के पर्यवेक्षण में ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बैनर, पोस्टर व पैम्पलेट के माध्यम से ऑपरेशन मुक्ति के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को छोटे बच्चों से बाल श्रम न करवाने व भिक्षा न देने के लिए अपील की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि रामनगर में नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा एवं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मनीष जोशी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा मनीष जोशी के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी तहरीर कोतवाली में दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने CO और कोतवाल को बरखास्त करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश्यूल की रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आवाज उठाई थी। 2 दिन पहले नशे के खिलाफ एक मुहिम चली थी, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और उनकी जो नशे के कारोबारी हैं उन्होंने आगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, बदतमीजी करी। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और समस्त जो भी जनमानस थे आगे रामनगर के, सभी वहाँ कोतवाली गए। इन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी और हमसे कहा कि हमने इन्हें जेल में डाल दिया है और उनपे SC ST एक्ट लगाया है। पर उसके अगले दिन ही इन्होंने, पता नहीं इन्होंने पैसे खाए या जो करा, इन्होंने अगले दिन ही उन लोगों को रिहा कर दिया और बिना किसी कोर्ट में पेश करे, बिना किसी उसके कोतवाली से उनका चालान काटा और उनको बिना परमिशन के रिहा कर दिया।
और मैंने उनसे पूछा, मैंने SSI सर से पूछा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मामला CEO साहब के पास है और बिना CEO साहब की वेरिफिकेशन के उस अपराधी को रिहा कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे द्वारा सभी छात्र द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। हम जितनी भी शिकायत दर्ज करते हैं उसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम उनका यहाँ से ट्रांसफर करवाने के लिए अपने क्या कहते हैं अनशन में बैठेंगे जब तक हमारे लिए कार्रवाई नहीं होगी। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं 25 मार्च तक गेहूं खरीद नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है जबकि बाजार भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक है, इस वजह से इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कमाने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक अप्रैल से गेहूं खरीद स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी जिसमें सारे SMOs और जो क्रय एजेंसियाँ हैं उनको बुलाया है और बाकी बाट मापक है और अन्य कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बुलाया है। उनसे मीटिंग करने के बाद हमें यहाँ से फाइनल कर दिया जाएगा और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है। SSP अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त पुलिस टीम को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड व ओवर सवारी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। जिसके चलते भद्रराज खान पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक को शराब के नशे में वाहन चलाता पाया गया जिसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत मौके पर गिरफ्तार किया गया, साथ ही वाहन को भी सीज किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों का पुतला फूंका। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गैनसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर पेपर फेंकने और माइक तोड़ने का आरोप लगाया जिसके चलते बुद्ध पार्क में कांग्रेस विधायकों का पुतला फूका गया। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का अपमान किया गया है। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है, लिहाजा विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर ऐसे अशोभनीय कृत्य कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी जी, उनका कांग्रेस के विधायकों द्वारा ये उनपे पेपर मारे गए और उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसलिए हमारा महिला मोर्चा जिला नैनीताल द्वारा आज ये रोष प्रकट करा जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस की हमेशा फितरत ही ऐसी रही है, महिलाओं का तो वो कभी भी सम्मान नहीं करते हैं। आज तो उन्होंने हमारी विधानसभा अध्यक्ष, पहली हमारी विधानसभा अध्यक्ष बनी चुनी गई है, आज उनको उन्होंने इतना बड़ा अपमान करा है। विधायकों को द्वारा ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि है और उनके द्वारा अगर ये ऐसा काम हो रहे हैं तो सोचिए कि हमारे आम जनता जो हमारी रीति दीदी के साथ ऐसा हो रहा है तो और आम जनता के साथ क्या होगा। हमारी अपने जो महिला है, महिलाओं के उनका सम्मान ही हम महिलाओं का सम्मान है। देखिए, संसद की एक गरिमा होती है जिस गरिमा को भंग नहीं किया जाता। जो भी चीज हमें कहनी होती है एक मर्यादित रूप में हम अपनी बात को रखते हैं, पर उसको अपमान करके और उन्होंने रितु खंडूड़ी जो एक स्पीकर है महिला और उनपे अभद्रता के साथ उन्होंने जिस कार्य को किया उसके लिए हमने उनकी अभद्रता और उनके कार्य के बहिष्कार को जो उन्होंने किया है उसके लिए हमने पुतला कांग्रेस का फूका। उन्हें मर्यादित रूप से अपना कार्य करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए और वो अपमान हम महिलाएं नहीं सहेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको जो है फूका। जिस तरीके का व्यवहार हमारी बड़ी बहन रितु खंडूड़ी जी के साथ विधानसभा में हुआ है कांग्रेस विधायक भाइयों ने जो किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसके लिए हम महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है, गुस्सा है। और उत्तराखंड के जो नेतृत्व करने वाली हमारी बड़ी बहन रितु खंडूड़ी जी हैं, जो हम सबको साथ लेकर चलने वाली हैं, उनका इस प्रकार का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी ये निवेदन है हमारी सोनिया दीदी से, सोनिया वाड्रा जी प्रियंका वाड्रा जी से कि जिस तरीके की वो बातें करती हैं, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी इस पर विचार रखना चाहिए, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे साथ मिलजुल कर आना चाहिए क्योंकि पार्टी एक अलग चीज है बट महिलाओं का सम्मान भारतवर्ष में सर्वप्रथम होना चाहिए क्योंकि हम भारतवर्ष में भारत माता की जय की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है
तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि इस चीज में हमारे साथ दें और आगे बढ़ें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। हल्द्वानी के कांग्रेस स्वराज आश्रम में जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया गया। प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिस तरह से प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है, उस लिहाज से सरकार द्वारा बजट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट राज्य को कर्ज के बोझ तले दबाएगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रोजगार मिला, ये बहुत सोचने वाली बात है प्रदेश के लिए। और वर्तमान में जो राज्य सरकार को 661 करोड़ का ब्याज का आयोजन किया गया है, देखिए जो भी प्रदेश भर में जितने भी कल एक बजट सत्र आयोजित हुआ, और जिस तरीके से बजट सत्र में इस राज्य सरकार ने जिस तरीके से पुरानी बोतल में नई शराब डालने का काम किया है ना, और जिस तरीके से बजट में किसी को भी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो जैसे हम समझते हैं स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जो चीज़ होनी चाहिए, पर्यटन हमारे राज्य का एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर्यटन क्षेत्र में कहीं पर भी जिसे कहते हैं बहुत कम बजट का प्रावधान करना, इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता की है। और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान में पूरे प्रदेश में आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है। और उस प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार की जो विफलताएं हैं, जिस तरीके से सरकार ने जो आज लगातार, मैं समझता हूँ कि आज उसको 6 साल पूरे हो गए हैं, और उसके बावजूद भी जो विकास नाम की कोई भी चीज़ आज शहर पूरा, आज मुख्यमंत्री का ये बयान आता है जहाँ पर हम लोगों की सरकार हुआ करती थी, सड़कें 1000 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात होती थी, और आज वही मुख्यमंत्री सिर्फ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, गड्ढा भरने की बात कर रहे हैं, तो बड़ा शोचनीय विषय है। और ये सरकार जिसमें कि इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि जितना हमारा बजट नहीं है उससे ज़्यादा का कर्जा हम लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ पर युवाओं के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है, और जो हमारे कोरोना के समय में हमारे साथी जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अस्पतालों में सेवाएँ देने का काम किया, ऐसे 6000 हमारे अभ्यर्थियों को पूरे प्रदेश में इन्हें निकालने का काम किया है, ये युवाओं को रोजगार देने की बजाय युवाओं को जो रोजगार कर रहे हैं उनसे निकालने का काम भी सरकार कर रही है। और आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को ये भी चेताना चाहते हैं कि जो हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और निश्चित रूप से हम आपकी सब जो चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, और हम निश्चित रूप से एक आम जनता को लेकर के इसका पर्दाफाश करेंगे। और जो घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं लगातार, चाहे वो समाज कल्याण में हो, या वो चाहे वो किसी और विषय में हो, तो इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारा ये आयोजन हो रहा है। 2 मार्च को दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बंद घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी मनोज कतियाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 मार्च को सुभाष सरकार 16 फरवरी को अपने बेटे और बेटी के पास गए हुए थे। 27 फरवरी की शाम जब वह घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था, घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तीन नामचीन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन पे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, और ये बहुत ही शातिर अपराधी। 2 मार्च की घटना है, जिसमें एक बंद घर में जो है नकबजनी की घटना हुई थी। परिवार बाहर गया हुआ था, और जब वापस आया तो उन्होंने केस रिपोर्ट किया। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके इसमें अनावरण के लिए टीमें गठित की थी, और इन गठित टीमों ने CO पन्नगर और SO दिनेशपुर अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में बेहतरीन पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों पर पूर्व से ही लगभग 1.5 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत है, और इन पर 2500 रुपये का इनाम SSP महोदय द्वारा घोषित किया गया है, और इसमें लगभग 6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जिसमें सोना चांदी और डायमंड के ज्वेलर हैं, और साथ में घटना में प्रयुक्त जो है मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है। नगर निगम रुद्रपुर द्वारा स्वच्छता चौपाल का आयोजन उत्तराखंड मंडी परिषद की आवासीय कॉलोनी उत्तरायणी के मुख्य द्वार पर किया गया, जिसमें सुधा सामाजिक संस्था के कलाकारों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत लोगों को जैविक कचरा, सूखा कचरा, बायोमेडिकल कचरा के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा को अलग अलग एकत्र करके
उसके निस्तारण की जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल ने संयुक्त रूप से किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अनुरोध करने आया हूं, साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी हो सकती है। नगर निगम रुद्रपुर के सभी 40 वार्ड में स्वच्छता चौपाल आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में कल पहली स्वच्छता चौपाल वार्ड नंबर 40 में कलेक्ट्रेट कॉलोनी में मंडी परिसर के गेट पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ये है लोगों को, आम जनमानस को डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट कलेक्शन, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके यूज, इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं, इनके प्रयोग को कैसे कम किया जाए, रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस के प्रिंसिपल को बताने के लिए ये एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता चौपाल आयोजित की जा रही है। और ये समय समय पर सभी 40 वार्ड में आयोजित की जाएगी और सभी को जागरूक किया जाएगा ताकि हमारा शहर रुद्रपुर पहले से बेहतर और साफ और स्वच्छ और स्वस्थ बन सके। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिरा न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।